वेलकम फ्रेंड्स, माइंड ड्रीम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको माइक्रोमैक्स X605 में बैटरी एरर सॉल्यूशन दिखाएंगे। देखिए, मार्केट में जितने भी लोकल बैटरी है, आप माइक्रोमैक्स X605 में लगाएंगे तो बैटरी एरर दिखाएगा। ठीक है, अब देख सकते हैं, चार्जर कनेक्ट कीजिए, बस एक मिनट में आपको बैटरी एरर दिखाएगा। देख सकते हैं, बैटरी एरर दिखा दिया। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन हम आज आपको देंगे। आप मोबाइल को खोलना पड़ेगा, उसमें से एक थोड़ा सा सर्किट में चेंज करना पड़ेगा आपको, तभी इसका प्रॉब्लम सोल्यूशन सॉल्व होगा। आप देख सकते हैं, अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो देखने के बाद, तो हमारा जो माई ड्रीम चैनल है उसको प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद जितना भी प्रॉब्लम आपको नया नया हम दे सॉल्व करेंगे, आपको ज़रूर वीडियो अपलोड करेंगे। प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी आप देख सकते हैं, यहाँ जो देख सकते हैं, यहाँ जो मिडिल पिन है और ग्राउंड पिन है, इसमें इस दोनों के बीच एक 4K7 रेजिस्टेंस यूज करना पड़ेगा। ग्राउंड पिन और मिडिल पिन, इन दोनों के बीच एक 4K7 रेजिस्टेंस यूज करना पड़ेगा, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देख सकते हैं, हाँ, आप कनेक्टर के पीछे से भी लगा सकते हैं, वहाँ स्पेस कम है इसीलिए सामने से लगा रहा हूँ। पीछे से आप ग्राउंड पिन और मिडिल पिन, इन दोनों के बीच 4K7 रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ जो रेजिस्टेंस हमने लगा दिया सामने से 4K7, ये आप मिडिल पिन और ग्राउंड पिन दोनों के बीच लगा सकते हैं। फिर उसके बाद बैटरी लगा कर चार्जर कनेक्ट कर दीजिए, फिर आप चेक कर लीजिए, 100% आपको सॉल्व मिल जाएगा इसमें से। देख सकते हैं, चार्जर कनेक्ट कर लिया, अभी पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। चार्ज हो रहा है, अभी तक बैटरी एरर नहीं दिया, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सब्सक्राइब नाउ, सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज़ फ्रेंड्स, माई ड्रीम्स, थैंक यू।